नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, हमारी स्वदेशी विमान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर आ रही है। दरअसल भारतीय सेना अगले साल की शुरुआत तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा बनाया गया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का बल्क में ऑर्डर देने पर विचार कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय सेना ने 12 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टरों के शुरुआती बैच से पहले ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्राप्त हो जाएंगे, जिसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DCA ने 2021 में 15,000 करोड़ रुपए के लागत से ऑर्डर दिया था। ऑर्डर किए गए 12 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में से 6 भारतीय वायुसेना के लिए और 6 भारतीय सेना के लिए है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑटो पायलट सिस्टम में समस्या के कारण इन 12 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी में देरी हुई है। हालांकि ये मुद्दा अब हल हो गया है और सभी 12 यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी जून 2025 तक पूरे होने की उम्मीद है। इन हेलीकॉप्टर के ऑटो पायलट के मुद्दे का समाधान कर लिया गया है और HAL द्वारा परीक्षण शुरू हो गए हैं। 6 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर दिसंबर 2024 और जून 2025 के बीच में सेना को दे दिए जाएंगे और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2024 में पूरा हो सकता है और डिलीवरी 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों, भारत की डिफेंस एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक और बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि HAL द्वारा 200K8 226T हेलीकॉप्टर के संयुक्त निर्माण के लिए भारत रूस सौदा लगभग खत्म हो चुका है। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना 2027 में अपने पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को रिटायर करने की योजना भी बना रही है। वर्तमान की बात करें तो सेना 190 चीता, चेतक और चीतल हेलीकॉप्टरों का बेड़े को ऑपरेट करती है, जो सेना के हल्के हेलीकॉप्टरों का बेड़े का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना इनमें से 120 हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अभी मौजूदा 190 चीता और चेतक हेलीकॉप्टर हैं, उनमें से लगभग 134 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो 30 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं। ये हल्के हेलीकॉप्टर सियाचिन और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC जैसे क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाली चौकियों को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2020 में चीन के साथ LAC पे चल रहे गतिरोध ने पहले ही पुराने हो रहे हेलीकॉप्टर बेड़े पर और अधिक दबाव डाल दिया है। दोस्तों, नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ऑर्डर से सेना और भारतीय वायुसेना के हल्के हेलीकॉप्टर बेड़े में रिटायर हो रहे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा छोड़े गए गैप को भरने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर पर, जो भारतीय वायुसेना से आ रही है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारी भारतीय वायुसेना मीट्रोड मिसाइल का उपयोग करती है और इस मिसाइल को यूरोप की कंपनी बनाती है। ये मिसाइल एक्टिव रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। दोस्तों, इस मिसाइल को हमारी भारतीय वायुसेना अधिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक राजनीतिक निर्णय लेने के लिए तैयार है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। आपने तो अस्त्रा MK3 मिसाइल का नाम तो सुना ही होगा, जो हमारी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा बनाई जा रही है। दोस्तों, इस मिसाइल के विकास और उत्पादन में देरी के कारण ये फैसला लेने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अस्त्रा MK3, जिसका उद्देश्य भारत की हवा में मार करने वाली मिसाइल की क्षमता को बढ़ाना है, और ये मिसाइल अभी भी उत्पादन में प्रवेश करने में से 5 से 6 साल दूर है और अभी इस मिसाइल को एयरवॉर्न डेवलपमेंट ट्रायल से गुजरना बाकी है। इसी देरी को देखते हुए वायुसेना मीट्रोड मिसाइल पर अपनी निर्भरता बढ़ा रही है। दोस्तों, नेशनल इंटीग्रेशन चैलेंज पर काबू पाते हुए स्वदेशी रडार प्रणाली के विकास की बदौलत भारतीय वायुसेना अब इस बिहाइंड विजुअल रेंज मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल के साथ विमानों की एक वाइड रेंज को लैस करने में सक्षम है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुरुआत में मीट्रोड मिसाइल के निर्माता MBDA ने रूसी और इजरायली फायरिंग कंट्रोल रडार के साथ इसके इंटीग्रेशन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, जिसके कारण भारतीय वायुसेना के बेड़े में महत्वपूर्ण विमानों तक इस मिसाइल की तैनाती सीमित हो गई। विशेष रूप से इसके रिस्ट्रिक्शन ने SU-30 MKI और Tejas MK-1 बेड़े के साथ इसके इंटीग्रेशन को इफेक्ट किया। दोस्तों, इस इंटीग्रेशन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने 2 महत्वपूर्ण पहल शुरू कर रही है। सबसे पहले SU-30 MKI बेड़े के रूसी रडार सिस्टम को घरेलू रूप से विकसित विरूपाक्षा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार से बदला जा रहा है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के सुपर 30 अपग्रेड प्रस्ताव का हिस्सा है। ये एडवांस SU-30 MKI के साथ मीट्रोड मिसाइल को इंटीग्रेट करने की सुविधा प्रदान करता है, जो विमान की हवा से हवा में मार करने वाली क्षमताओं को बढ़ा देगा। दूसरे Tejas MK-1 बेड़े में इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित उत्तम रडार इंस्टॉल किए जाएंगे। दोस्तों, ये रडार प्रणाली MDA द्वारा उठाई गई पिछली आपत्तियों को समाप्त कर देती है, जिससे Tejas MK-1A पर मीट्रो मिसाइल का पूर्ण इंटीग्रेशन सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, इस चिंता को दूर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने SU-30 MKI स्क्वाड्रन के स्थानीय रूप से विकसित अस्त्रा MK-1 से लैस करने का कदम उठा रही है। इसके अलावा 160 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली अस्त्रा MK-2 का इसी साल के अंत तक हवाई लक्ष्यों के खिलाफ
व्यापक परीक्षण किया जाना है और इस एडवांस मिसाइल को 2 साल के अंदर उत्पादन में आने की उम्मीद भी है, जिससे भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्षमताएं और बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है दोनों खबरों पर, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।